हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएससी नामनक्लेचर। आईयूपीएससी लेक्चर होगा हम लोगों का आईयूपीएससी नामनक्लेचर। ओके, तो आईयूपीएससी नामनक्लेचर इसमें हम लोग देखेंगे कि नामनक्लेचर करने का क्या तरीका होता है। उसके बाद से कुछ नामनक्लेचर हम लोग देखेंगे। तो पिछले क्लास में लोग पढ़ चुके हैं कि आईयूपीएससी नामनक्लेचर करते समय सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद से रूट वर्ड होगा, उसके बाद से क्या होगा, सफिक्स होगा। ठीक है, तो ये रूल यहाँ पे फॉलो होगा। पहले हम लोग देख लेते हैं आपके बुक में क्या दिया हुआ है, उसके बाद से कुछ एग्जाम्पल हम लोग बाहर के देख लेंगे यहाँ पे। ओके, तो पहला है सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। पहला पॉइंट क्या है आपको ध्यान रखना है, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। द लॉन्गेस्ट कार्बन, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम नोन एज पेरेंट चेन। पेरेंट चेन किसको बोला जाएगा ये आपको देखना है इसमें। जैसे देखो यहाँ पे एक आपके बुक में फिगर बनाया है, ये है मान लो ये है चार कार्बन का कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो ये क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। ये क्या होगा, पेरेंट चेन होगा, ये होगा पेरेंट चेन। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक सिक्स कार्बन का चेन हो गया, सिक्स कार्बन का चेन हो गया है हमारे पास, तो ये भी क्या होगा, पेरेंट कार्बन चेन होगा, पेरेंट चेन होगा। ओके, तो पेरेंट चेन आप लोग समझ गए होगे कि कार्बन का क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज पेरेंट चेन। ओके, वो क्या हो सकता है, दो कार्बन का, तीन कार्बन का, चार कार्बन का, या फिर कितना कार्बन का भी हो सकता है। तब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे पांच कार्बन के कार्बन चेन है या फिर पेरेंट चेन है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, पेंट वर्ड का यूज किया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि रूट वर्ड क्या होगा। अगर चार कार्बन का चेन है तो ब्यूट होगा, अगर सिक्स कार्बन का चेन है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, हेक्स लिखा जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, हेक्स लिखा जाएगा। बाकी नामक्लेचर किस पे डिपेंड करेगा, उसके सफिक्स पे डिपेंड करेगा। तो समझ गए, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा है द लॉन्गेस्ट चेन नीड नॉट बी स्ट्रेट। देखो यहाँ पे पहले ये बोल रहा है दूसरा पॉइंट कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा हम लोग का, कोई जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे आपको हम कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं, मान लो ये है एक कार्बन चेन हमारे पास। ठीक है, आप देखो सपोज करो यहाँ पे सेकेंड वाले नंबर पे हम लोग इथाइल ग्रुप को ऐड कर चुके हैं। तो अगर आप लोग पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि यहां से सिलेक्शन करोगे तो ये वाला कार्बन चेन हो जाएगा। ठीक है, एक होगा पेरेंट कार्बन चेन, एक तो ये हो जाएगा आप। ठीक है, और एक क्या होगा हम लोग देखते हैं, थोड़ा दूसरे कलर में इसको करके आपको बताते हैं। देखो, ठीक है, देखो एक कार्बन चेन हो जाएगा, एक हमारा होगा, एक होगा ये वाला चेन हो जाएगा। ठीक है, तो दो हमारे पास क्या है, पेरेंट चेन हो रहे हैं। तो देखो जो रेड कलर वाला है इसमें कितने कार्बन का चेन है, इसमें है सिक्स कार्बन का चेन है, और जो यहाँ पे ग्रीन कलर का है उसमें कितने हो रहे हैं, थ्री टू फाइव यहाँ पे हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिक्स कार्बन का चेन है और यहाँ पे क्या है, सेवन कार्बन का चेन है। तो हमें क्या करना है, हमेशा लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन को हमें हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को ही लेना है, वो कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, लॉन्गेस्ट चेन नीड नॉट बी स्ट्रेट। लॉन्गेस्ट चेन क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्ट्रेट रहे, क्या हो सकता है, वो दूसरे तरीके से भी हो सकता है। अब जैसे इस वाले फिगर में देखो, अगर ये वाला स्ट्रेट चेन आप लोग लोगे,
ये अगर स्टेट चेन ले रहा हो तो कितने कार्बन का चेन होगा, तब 4 कार्बन का चेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही हम लोग अगर दूसरा हम लोग ले रहे हैं, मान लो यहां से कार्बन चेन आ रहा है, ये हो जा रहा है, ठीक है, तो इसमें देखो कितने कार्बन का हो रहा है, इसमें 7 कार्बन का हो रहा है। तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन लेते हैं, चाहे वो क्या हो, स्टेट हो चाहे स्टेट ना हो, समझ गए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। जैसे एक और दो एग्जांपल हम आपको देके बताते हैं यहां पे, जैसे देखो ये है मान लो हमारे पास कार्बन चेन, ये है कार्बन चेन, सपोज करो यहां पे हम ऐड कर चुके हैं C3H7 को, तो क्या होगा, एक कार्बन चेन आप लोग ये ऐड ले सकते हो, ठीक है, एक कार्बन चेन ये हो जाएगा। अब देखो इसमें कितने कार्बन हैं, 6 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 6 कार्बन। दूसरा देखो, दूसरा हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, दूसरा ये वाला कार्बन चेन होगा। अब बताओ इसमें कितने होंगे, यहां तक 4 कार्बन हो जा रहे हैं और यहां पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, यहां पे क्या हो जाएगा, 7 कार्बन हो जाएगा। तो हम कौन सा चेन लेंगे, ये जो फर्स्ट वाला मान लो रेड कलर वाला चेन होगा, ये पेरेंट चेन नहीं होगा, ये क्या होगा, पेरेंट चेन नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, जो रेड कलर वाला होगा वो पेरेंट चेन नहीं होगा, पेरेंट चेन यहाँ पे कौन सा होगा, ये वाला जो ग्रीन कलर में है, ये क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा, जो ग्रीन कलर में है वो क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेरेंट चेन हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ओके। अब अगला देखो, अगला पॉइंट इसमें देखो क्या है, सपोज करो ये कोई हमारा कार्बन चेन है, ये है एक कार्बन चेन, ओके, ये है कार्बन चेन। अब मान लो यहां पे कोई क्या हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां पे भी कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, ओके। देखो यहां पे भी एक कार्बन हमारे पास है, ये है कार्बन। अब दो कार्बन यहां पे क्या है, जुड़े हुए हैं। अब यहां पे अगर चेन हम लोग डिसाइड करेंगे तो कौन सा पेरेंट चेन होगा, ये जो है यही क्या होगा, पेरेंट चेन होगा, ये क्या होगा, पेरेंट चेन होगा, जिसमें क्या होंगे, 6 कार्बन होंगे, इसमें होंगे 6 कार्बन। अब देखो जो भी पेरेंट चेन के बाद का कार्बन होगा, जो भी पेरेंट चेन के बाद का कार्बन होगा वो क्या होगा, उसको सब्स्टिट्यूएंट बोल लेंगे। तो ये क्या है, ये है सब्स्टिट्यूएंट, ये है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। अभी हम लोग जब नामन क्लीचर करेंगे तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा वो क्या होगा, वो प्रीफिक्स के फॉर्म में हम लोग लिखा जाएगा। ये है, ये भी क्या होगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, आपको पता चल गया, पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब देखो इसमें लिखा क्या हुआ, द ब्रांच चेन आर कंसीडर्ड टू बी सब्स्टिट्यूएंट एंड देयर पोजीशन आर इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच। अब देखो अगर बताना होगा कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे होगा तो हम क्या करेंगे, पहले पेरेंट कार्बन चेन डिसाइड करेंगे, उसके बाद से हम नंबरिंग करेंगे कार्बन चेन का। नामन क्लेचर जब करेंगे तो जो भी पोजीशन होगा सब्स्टिट्यूएंट का, उस सब्स्टिट्यूएंट के पहले हम लोग उसका पोजीशन लिख देंगे, तो उसे हमें पता चलेगा कि वो कार्बन चेन में कहां पे प्रेजेंट है, ओके। जैसे देखो अगर इस वाले कार्बन चेन में हम लोग क्या करेंगे, अगर नंबरिंग करेंगे तो यहां से नंबरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो जाएगा 6। अब देखो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे है, एक तो है सेकेंड वाले पे,
तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड पोजिशन पे है और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन सा पोजिशन पे है, फोर्थ पोजिशन पे है। तो जब नाम लिखेंगे हम लोग तो इसको क्या करेंगे, इंडिकेट कर देंगे। ओके, देखो ये हो गया। अब देखो इसके बाद हम एक आपको इसी के साइड में कैसे हम इंडिकेट करेंगे ये आपको बता दे रहे हैं। ये है मान लो कार्बन चेन, हमारे पास कार्बन चेन है ये, और मान लो यहां पे जुड़ा हुआ है एक सी, तो हमें पता है कि ये होगा पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन, और ये है सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो नंबरिंग हम लोग कहां से करेंगे, नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या हो, सबसे लोएस्ट हो, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या हो, सबसे लोएस्ट हो। तो एक तरफ यहां से नंबरिंग हम लोग कर दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एक है यहां से 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। तो देखो अगर यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकेंड पोजीशन पे हो रहा है, 2-मिथाइल आ रहा है, ठीक है, 2-मिथाइल आ रहा है, और अगर दूसरी तरफ से हम लोग नामनक्लेचर कर रहे हैं तो 5-मिथाइल आ रहा है, क्या आ रहा है, 5-मिथाइल आ रहा है। तो 2-मिथाइल वाला क्या होगा, सही होगा, और 5-मिथाइल वाला क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा सबसे लोएस्ट पोजिशन दिया जाता है नंबरिंग करते समय, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यही क्या है, तीसरा वाला पॉइंट बता रहा है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते समय हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा सबसे स्मॉलेस्ट पोजीशन पे उसको हम लोग रखेंगे। ओके, जैसे नीचे देख लो, यहाँ पे दो कार्बन चेन बनाया है, यहाँ पे 5-5 कार्बन की चेन है, एक जगह मिथाइल कौन से पोजिशन पे आ रहा है, 2-मिथाइल आ रहा है, एक जगह 4-मिथाइल आ रहा है, तो हमें पता है कि लोएस्ट पोजीशन पे दिया जाता है, तो 2-मिथाइल वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और 4-मिथाइल वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, अब देखो अगला है इसमें, द पोजीशन ऑफ एल्किल ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द पोजीशन इन नेम ऑफ एल्किल ग्रुप जस्ट बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब यह है कि मान लो ये कोई, एक मिनट, ये कोई हमारे पास कार्बन चेन है, कार्बन चेन है, और यहां पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहां पे सेकेंड पोजीशन पे क्या होगा, 2-मिथाइल लिखेंगे, ठीक है, 2-मिथाइल लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट के जस्ट पहले क्या लिख देंगे, उसका पोजीशन लिख देंगे, ठीक है। ये कैसे करेंगे, ये है रूट वर्ड के पहले हम लोग करेंगे, यानी कि ये क्या है, एक तरीके का प्रीफिक्स है, ये क्या है, प्रीफिक्स है, ये है प्रीफिक्स, ओके, ये है प्रीफिक्स। अब इसके बाद क्या आएगा, रूट वर्ड आ जाएगा, रूट वर्ड क्या आएगा, 6 कार्बन का चेन है, ये हो जाएगा हेक्स, ठीक है, और ये क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, समझ गए। अब देखो आपके फिगर में जैसे दिया हुआ है, तो यहां पे पेरेंट कार्बन चेन कौन सा होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पे आएंगे, ओके, तो देखो इसमें क्या है, 7 कार्बन आ रहे हैं, 7 कार्बन आ रहा है, ये जो है ये क्या है, इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, कौन से पोजीशन पे है, थर्ड वाले पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-एथाइल, 3-एथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 कार्बन का चेन है, तो हेप्ट हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, या फिर क्या है, ये पूरा एल्केन का चेन है, तो ए यानी हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो 3-मिथाइल हेप्टेन इसका पूरा नाम हो जाएगा। ओके, देखो इसका दो दो स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, ये क्या स्टेट चेन में शो कर दिया है और ये स्टेट चेन नहीं है। ओके, अब अगला देखते हैं हम लोग,
अगला है इसमें जैसे ये बोल रहा है अगर पेरेंट कार्बन चेन में मल्टीपल क्या है, मल्टीपल प्रीफिक्स हुए हैं या फिर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट है तो कैसे हम लोग नामनक्लेचर करेंगे। जैसे ये है मान लो हमारे पास कार्बन चेन और सिक्स कार्बन का चेन है हमारे पास, एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पे ऐड है और एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पे ऐड है। नंबरिंग हम लोग कहां करेंगे, कहां से करेंगे, नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जहां पे क्या हो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन पे ले। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो जाएगा 6। तो सब्स्टिट्यूएंट देखो एक सेकेंड पोजीशन पे है, एक थर्ड पोजीशन पे है। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, 2, 3 ये नाम हो जाएगा 2, 3 और क्या है अगर सब्स्टिट्यूएंट दो सेम होंगे तो डाई लगा देंगे, डाई लगा देंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इथाइल है, ये है इथाइल। तो 2, 3 डाई एथाइल, उसके बाद से क्या हो जाएगा ये पूरा क्या है, ये पूरा है हम लोगों का प्रीफिक्स, ये क्या है प्रीफिक्स है, ये है पूरा प्रीफिक्स। अब इसके बाद से रूट वर्ड आ जाएगा, रूट वर्ड इसका क्या होगा, रूट वर्ड हो जाएगा 6 कार्बन का है तो हेक्स हो जाएगा, और इसका क्या है इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा क्योंकि ये एल्केन है, ANA। तो 2, 3 डाइमेथाइल हेक्सेन हो जाएगा। जैसे फिगर में देख लो यहां पे ये पूरा क्या है, ये है पेरेंट कार्बन चेन, ये है पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग होगा 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। ओके अब देखो 2 पोजीशन पे क्या है, दो मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 पोजीशन पे दो मेथाइल ग्रुप क्या है जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमेथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट इसका हो जाएगा रूट वर्ड और एन क्या हो जाएगा इसका सफिक्स हो जाएगा। तो ये देखो नाम है। ओके सेम यहां पे भी देखो अगर मान लो दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है डिफरेंट है तो ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन और उसके बाद से ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, एक नीचे सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग करेंगे जहां से लोएस्ट पोजीशन मिलेगा तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो देखो 3 पोजीशन पे क्या है, एक है इथाइल और एक है मिथाइल, तो यहां पे सेम सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो डाई और ट्राई वर्ड का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल और 3 एथाइल। इसको नाम हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे, जो अल्फाबेटिकल होगा उसको पहले लिखेंगे तो 3 एथाइल और 3 मिथाइल फिर पेंटेन हो जाएगा। ओके ये है, अब देखो ये है अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी कार्बन चेन में तब कैसे हम लोग नामनक्लेचर करेंगे। ये है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पे। मान लो जैसे ये कार्बन चेन है हमारे पास, ये है कार्बन चेन, एक है यहां पे C जुड़ा हुआ है, एक है यहां पे C2H5 जुड़ा हुआ है, मतलब कि एथाइल जुड़ा हुआ है। इसका देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करते हैं, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को क्या हो सबसे लोएस्ट पोजीशन मिले तो एक नंबरिंग हम लोग कर सकते हैं इस साइड से 1, 2, 3, 4 और 5, एक होगा यहां से 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखो इस साइड से अगर जा रहे हैं हम लोग तो सेकेंड पोजीशन पे हमें कोई सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है और इस साइड से जा रहे हैं तो क्या हो रहा है थर्ड पोजीशन पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है। तो ये वाला जो नंबरिंग होगा ये क्या होगा करेक्ट होगा और ये वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ओके तो देखो इसका नामनक्लेचर कैसे करेंगे, नामनक्लेचर होगा सबसे पहले अल्फाबेटिकली करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है इथाइल आ रहा है, ये हो जाएगा 3 एथाइल 3 एथाइल और सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहा है मेथाइल आ रहा है, ये हो जाएगा 2 मेथाइल 2 मेथाइल। अब ये पूरा क्या है, ये पूरा अभी है प्रीफिक्स, ये पूरा है प्रीफिक्स,
अब इसके बाद से रूट वर्ड आ जाएगा। रूट वर्ड क्या आ जाएगा, पांच कार्बन का चेन है तो पेंट हो जाएगा, पांच कार्बन का चेन है तो पेंट हो जाएगा, और ये क्या है एल्केन है तो ये हो जाएगा पेंटेन। ओके ये हो गया। देखो एक और आपको नामनक्लेचर यहां पे साइन में हम लोग करके देख लेते हैं। देखो जैसे आप लोग ये मान लो कार्बन चेन है हमारा, यहां पे एक जुड़ा हुआ है मिथाइल और एक यहां पे जुड़ा हुआ है मिथाइल। ओके एक मिनट, यहां पे जुड़ा हुआ है मान लो हम लोगों का इथाइल, ठीक है। अब देखो इसका नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे। अगर मान लो इसका हम लोग पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे तो कितने कार्बन का पेरेंट चेन होगा, एक लोग एक जो डिसाइड करोगे आप लोग, एक तो ये हो सकता है, ठीक है, एक पेरेंट चेन हो सकता है, कितने कार्बन का, थ्री और सिक्स और सेवन कार्बन का चेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और है हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन, जो देखो कौन सा होगा, एक कार्बन चेन ये हो सकता है जो हम लोग हरा वाला बना रहे हैं, एक ये हो जाएगा ठीक है, एक ये है देखो जो हरे कलर में हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। इसमें देखो कितने कार्बन चेन है, कार्बन थ्री और सिक्स और एट हो जाएंगे, एक हो जाएगा एट कार्बन का चेन, एक है सेवन कार्बन का, एक है एट कार्बन का, तो हम लोग क्या करेंगे एट कार्बन वाले को प्रीफर करेंगे। हम नंबरिंग करेंगे, अब देखो यहां से नंबरिंग करेंगे तो भी ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा पोजीशन पे आएगा, थर्ड वाले पे, और अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे आएगा, थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो नंबरिंग हम लोग यहीं से कर देते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन और एट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो थ्री और सिक्स पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, तो नाम हो जाएगा थ्री कामा सिक्स डाई मिथाइल, और उसके बाद से क्या होगा, यहां पे देखो ये है आठ कार्बन का, ये पूरा क्या है हम लोगों का, ये पूरा है प्रीफिक्स, ये पूरा है प्रीफिक्स। ओके अब ये क्या है आठ कार्बन का चेन है, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्ट हो जाएगा इसका रूट वर्ड, और ये क्या एल्केन है तो ऑक्टेन हो जाएगा, तो पूरा नाम हो जाएगा थ्री कामा सिक्स डाई मिथाइल ऑक्टेन। ओके इसके बाद फंक्शनल ग्रुप वाला और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ओके